हेलो गाइस। तो आज बेसिकली ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज स्टोरी। मैं सोच रही हूँ क्या स्टोरी सुनाओ तुम लोगों को, क्या सुनाओ बताओ जल्दी से। चलो ये स्टोरी बताओ कि यूट्यूबर भाई कैसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले एक था मेरे पास चैनल, जो कि फर्स्ट चैनल था मेरे ख्याल से। वो मैंने संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देख के बाद बनाया था मैंने वो चैनल। ठीक है, 2019 में। और उस चैनल में मैंने पता क्या काम किया, एक सेशन देखा संदीप महेश्वरी का। ठीक है, सेम उसको रट के एक वीडियो बना दी, यूट्यूब पे पोस्ट भी कर दी। इवन उस टाइम ना नेट बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता था वीडियोस में, जब मैंने स्टार्ट किया था 19 में, तो काफ़ी कम लगता था। मतलब एटलीस्ट तो अगर तुम लोग डाल रहे हो आधे घंटे की वीडियो भी डालते थे ना, इवन लास्ट ईयर तक भी बहुत ज़्यादा कम नेट लगता था। आजकल के टाइम अभी इस साल ही मेरे को लग रहा है नेट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, आई गेस, पता नहीं क्यों। बट छोटी सी वीडियो भी अपलोड करनी होगी तो बहुत ज़्यादा नेट लग पड़ता है, तो उस टाइम मैं डाल देती थी। ठीक है, तो मेरे को पता क्या लगा, मेरे को लगा भाई ये वीडियो तो डाल दिया, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में कि कैसी वीडियो बना रही। ठीक है, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे फॉलो नहीं करती थी, दैट्स व्हाई मेरे को उस पर डर लग रहा था। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ वो वीडियो डिलीट कर दी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। 19 में और करोना भी आ गया था, लॉकडाउन भी लग गया था, 2020 है ना। फिर 2021 में जाके मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, 21 में, अभी 22 चला ना, मतलब 20 के एंड में और मतलब लास्ट मंथ में, समझ लो इसी टाइम पे मैंने 2020 में स्टार्ट किया था अपना एक लास्ट मून ब्लॉगर। उसमें मैंने कितने नाम उसके चेंज किए, डेली ब्लॉग्स डालने के लिए ट्राई किया। तो मैंने उस टाइम पता क्या, कॉलेज है ना, और तो मैं डालती ही नहीं थी उसमें डेली ब्लॉग्स, तो बिल्कुल डालती ही नहीं मैंने। मतलब हर बार मैं बोल देती थी कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूंगी, इवन मन में सोच के रखती थी कि आज हाँ भाई कल से तो पक्का पक्का पक्का। फिर पता क्या हुआ, मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा हुआ एक बार सीरियसली, पता क्या हुआ, एक दिन मैं अपने घर में यहाँ पे बैठी हुई थी, और तो मतलब हमारे ना जो चूल्हा था वो, मतलब वो है बिल्कुल साथ में रसोई के साथ में। ठीक है, तो ऊँचा अगर कोई रास्ते से जाता है ना तो पता लग जाता है कि बाहर से कौन जा रहा है। तो फिर वो बोलते हैं यार, मतलब वो लोग हमारे गांव के ही है वो लोग। ठीक है, फिर बोलते वो आपस में चलते चलते कि हमको भी ना कुछ करना है नहीं, वैसे हम भी यूट्यूबर ही बन जाते हैं, हेलो गाइस करते रहेंगे, वैसे इस तरह से, मतलब मेरी बेइज्जती कर रहे थे वो लोग बेसिकली। तो मेरे को वो चीज़ बड़ी फील हुई यार, पर मैंने इवन उस टाइम में केयर तो मैं अभी भी नहीं करती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं लिटरली। ठीक है, तो मेरे को उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैंने कहा चल यार क्या बंदे, मतलब खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ करते हैं तो मतलब फिर बेइज्जती करवा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यूट्यूब मैं करती रही करती रही, मतलब काफ़ी हद तक। उसमें मेरी सबसे मेन गलती मेरे लास्ट चैनल पे पता क्या हुई, मैंने अपने जो यूट्यूब का लिंक था वो सबको दे दिया खुद से। ठीक है, फिर वो जो चैनल मैंने बनाया उससे मैंने ये मतलब बहुत सारा कुछ सीखा, मतलब बहुत से भी बहुत ज़्यादा सीख लिया। मतलब वो चैनल बेसिकली मेरा, मैं मानती हूँ कि सीखने के लिए भगवान जी ने भेजा होगा कि सीख ले, तो इससे फिर तो एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बना लिया। ठीक है, फिर मेरे को याद है मैंने ये जो चैनल जो अभी वाला दैट रनवे कपल चैनल है, ये बनाया मैंने 5 जनवरी को इसी साल 2022 में। और उस दिन पता क्या हुआ, मैंने 21 जो लास्ट ईयर था ठीक है, उसी टाइम मैंने सोच के रख दिया था कि भाई मैं नए साल में कुछ तो करूँगी ऐसा। मैं इवन 1 जनवरी से सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे सडनली दिमाग में आया कुछ ऐसा चैनल, पहले तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ चैनल का नाम ऐसा डालना जो मतलब सबसे ज़्यादा यूनिक हो। फिर मैंने वो किया यूनिक, आई गेस उसका नाम था शुगर गर्ल लक्ष्मी, वो भी पता क्या सोच के
शुगर, मतलब इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, ठीक है, कभी किसी और दिन सुनाऊंगी मैंने क्यों रखा था उस टाइम पे वो नाम, और इस टाइम पे मैंने दैट रनवे कपल क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे भी लंबी स्टोरी है। तो जिस दिन, मतलब यूट्यूब पे नाम का इतना इफेक्ट है ना भाई, कसम से, मैंने जिस दिन ये नाम चेंज किया ना, उसके आई गेस 1 या 2 वीक के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर गेन होने लग गए भाई। मतलब रोल तो मेरी वीडियोस ने भी काफ़ी निभाया, ऐसी बात नहीं, मेहनत में पिछले, क्योंकि जनवरी से मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग डालू, मेरे इवन 0 व्यूज़ आते थे, आज के डेट में भी अगर तुम नीचे एंड पे जाओगे 0 व्यूज़ है मेरे पास। फिर गई मैं सीधे जनवरी से कंटिन्यूसली मैंने ब्लॉग डाले, मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया 5 जनवरी से, और अगले साल 2023 की जो 5 जनवरी की, उस दिन मेरे 365 डेज ये ब्लॉग भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और संदीप महेश्वरी के एक सेशन में बोला था कि भाई तुम एक काम, मतलब मेरे को खुद पे भरोसा था नहीं सीरियसली, उसमें ये बोला था कि तुम एक काम कर लो ताकि तुमको खुद पे भरोसा आ जाए, तो मैं टिकी रही इस काम पे। इवन ऑल्दो, मतलब ये ब्लॉग डालना इतनी भी आसान नहीं कि तुमने बोल दिया और तुमने कर लिया, मैं पिछले 11 आज अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले 10 महीनों से कंटिन्यू ब्लॉग डाली जा रही हूँ, कंटिन्यू, और इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए मेरी लाइफ में इन 10 महीनों में ना, लिटरली कोई और होता मेरी जगह छोड़ देता पूरी तरह से। मेरे को ये पता कि मुझे सुबह 7 बजे तक कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ डालना है वीडियो, बस ठीक है, ये सीन था। और तो मेरे अभी 3.5K या 4K सब्सक्राइबर है, बट स्टिल मुझे पता है नेक्स्ट ईयर जब 23 आने वाला है मेरे हो जाएंगे, मैंने कुछ एम रखा वो आई गेस हो जाएगा कंप्लीट। हाँ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, 1 लाख सब्सक्राइबर। और क्या बताऊँ यार, यही सीन था, बहुत ज़्यादा कुछ है, मतलब इतने ज़्यादा ताने ये वो सुनो सबसे तुम लोग, फिर जाके, क्योंकि यूट्यूब तुमसे टाइम मांगता, जस्ट नो मनी नथिंग बट एफर्ट टाइम और कंसिस्टेंसी, 3 चीज़ें मांगता है यूट्यूब, दैट्स इट। उसके बाद फिर यूट्यूब तुमको देगा 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 बस देगा, एंड दैट्स इट। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप यू एंजॉयिंग माय यूट्यूब जर्नी। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।